रांची की पिच के ऊपर जो है वो बैन स्टोक्स, बैन के स्टोक्स ने फुद्दड़ ने रोना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले ऐसी पिच देखी नहीं है, अगर आप इसको ड्रेसिंग रूम से देखोगे तो ये ग्रीन पिच लगेगी, मतलब कि अपने ड्रेसिंग रूम से इस पिच को सामने देखोगे तो ग्रीन लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इसके पास आ जाओगे ना इस पिच के ऊपर तो इसके ऊपर आपको क्रैक्स भी नजर आएंगे और ये डार्क नजर आएगी। इसको रोना ही बोलते हैं कि पहले से थोड़ा जो माहौल है वो क्रिएट करो, जब आप हारने लगो या पिच जो है वो आपके मुताबिक ना चले आप शॉट डाल लो कि मैंने तो पहले ही बोला था ये पिच जो है वो समझ नहीं आ रही है, ये पता नहीं इस बार इंडिया ने क्या बना लिया है। तो वही जो है बेन स्टोक कह रहा है कि वो यानी कि उसकी बात उसे समझ ही नहीं आ रही है, पगला गया। ये पिच देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, कह रहा है पिच देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन मैंने इससे ज्यादा खौफनाक पिच कभी नहीं देखी, ये बैन के स्टॉक्स ने बोला। इंग्लैंड की बेसबॉल तो ये हमें नजर आ गई, उनकी बेसबॉल तो इंडिया वालों ने ना वाड़ के रख दिया, सीधी सी बात है। इंडिया वालों ने इनको औकात याद दिला दिया कि यार तुम्हारी ये एशिया में ये औकात है, तुम एशिया में आओगे ना तो ये इंग्लैंड वाली बात है, इंग्लैंड में बैठ के घंटे के साथ साथ छनकना और छनकने के साथ साथ बाजा बाजेगा। बेन स्टोक ने अभी से रोना पिटना मचा दिया पिच को लेके। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिच होगी ना ये जैसे कहते हैं ना स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, इसके अंदर बल्लेबाजों को भी मदद मिलेगी, ये जो पिच होगी ये बड़ा सूट करने वाली है। और क्या पता कि दो दिन के अंदर या तीन दिन के अंदर ही टेस्ट मैच खत्म हो जाए। इंग्लिश मीडिया भी रो रहा है बैठ के, इंडिया चीटिंग करता है, इंडिया वाले चीटर है, इंडिया वाले ये है, इंडिया वाले फलाना है, इंडिया वाले टमकाना है। मेरे जीतने वाली है और इंग्लैंड बहुत ही गंदे तरीके से हारने वाली है, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा होगा कि इतने गंदे तरीके से इंडिया वाले ने हराया इंग्लैंड को, और मतलब कि इंग्लैंड वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बेसबॉल ईटीसी हमने पाकिस्तान को हराया ये वो, और भाई ये वो पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया है जहाँ पे आप गए हुए और आपको लगता है कि वो आपको जीतने देंगे। बेन डकैत ने जो बोला था जायसवाल हमसे सीखता है, तो उसको जो है वो अपने जो है साबिक खिलाड़ी नासिर हुसैन ने बोला कि नहीं, बल्कि जायसवाल तो आईपीएल से सीख के आया हुआ है। वो बहुत कुछ इस पिच के ऊपर होना है, बहुत कुछ इस पिच के ऊपर कहा जा रहा है। जसप्रीत बुमराह भी रेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इंडिया जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस को मटेरियलाइज करेगा एक होम कंडीशन की वो पिच बनवा के, जो की पिच देखी होगी सामने बैन के स्टोक्स ने बोला है इतने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, कह रहा है पिच देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन मैंने इससे ज्यादा खौफनाक पिच कभी नहीं देखी, ये बैन के स्टोक्स ने बोला है कि मैंने इससे ज्यादा कभी खौफनाक पिच नहीं देखी अपने पूरे इंटायर कैरियर में। ठीक है, अगर आप ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर देखते हो तो ये आपको ग्रीन नजर आएगी, जब आप पास आके देखते हो ये आपको प्रॉपर ऐसे इसमें आपको जो है वो खड्डे नजर आएंगे, जो है वो क्रैक्स नजर आएंगे पिच में, आपको पिच जो है वो डार्क कलर में नजर आएगी, मतलब बच गई है इसको नजर आ गया है हमारी बच गई है हमारी इसको पता आ गया, पता लग गया बेटा हमारी बच गई है, इनको पता चल गया कि हमारी बज गई है, हमारा घंटा बज गया, इनको समझ आ गई है। अब वो इंग्लिश मीडिया भी रो रहा है बैठ के कि इंडिया चीटिंग करता है, इंडिया वाले चीटर हैं, इंडिया वाले ये हैं, इंडिया वाले फलाना है, तो इंडिया वाले टमकाना है। मेरे इंसान बन जाओ। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के अंदर कंडक्टिव तीन मैचेस में हारने के बाद इंग्लैंड टीम ने रोना शुरू कर दिया। बेन स्टोक्स ने ग्राउंड में खड़े होकर बीसीसीआई बोर्ड के ऊपर रोहित लाल के ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। बेन स्टोक्स कहना है कि जिस ग्राउंड में खिलाया जा रहा है उसकी पिच बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल नाकिस पिच है। इस पिच के डिफॉल्ट ये है कि इस पिच को अगर ग्राउंड के बाहर इंटागोर में बैठ कर देखा जाए तो लगता है कि ये पिच बहुत अच्छी है, लेकिन जब ग्राउंड में आकर देखते हैं रियलिटी में तो पिच बहुत बेकार है। पाकिस्तानी मीडिया ने शरीफ बर्मी का आधार किया, पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि बेन स्टोक अपनी टीम की हार माने ना कि खामी ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि अगर बेन स्टोक कहना है कि पिच खराब है तो यही पिच रोहित लैम के लिए थी, इसी पिच पर बेन स्टोक ने खेला और इसी पिच पर जायसवाल ने डबल सेंचुरी की, इसी पिच पर इंडिया टीम ने 450 रन बनाए और इसी पिच पर इंग्लैंड टीम 150 रन बनाकर आउट हो गई। तो उस बात में लड़ाई किस चीज की है, अगर पिच दोनों टीमों के लिए सेम है, दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम है। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना है कि जो पिचेस हैं वो टोटली स्पिनिंग फास्टिंग बॉलिंग पिचेस हैं, इस पिच के ऊपर बॉलर्स का फायदा होगा, पिच पर बैट्समैन की, लेकिन खुशकिस्मती है एसपी जायसवाल की कि इस बॉलिंग पिचेस के ऊपर भी डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। इसी बात का दुख है इंग्लैंड टीम को कि वो पहली मरतबा किसी ऐसी एशियन टीम से आ रहे हैं जो उनसे लेवल में बहुत छोटी है, लेकिन इस एशियन टीम ने पहली मरतबा रेड बॉल क्रिकेट के अंदर व्हाइट टीम को गोरों को हराया जो कि बहुत बड़ी कामयाबी एशिया के लिए। इसी बात का दर्द उठा बेन स्टोक के अंदर, बेन स्टोक कहना है कि ये पिच बिल्कुल सही नहीं है। बेन स्टोक ने मजीद ये कहना था कि अगर हमें पिच दिखाई जाती है इस तरह की पिच हमें बहुत कम मीडिया में देखने को मिलती है, और बिलखसूस ये वही पिच है जिसके ऊपर रोहित लेवन मैच फिक्सिंग करता है,
हमारा मानना यह है कि अगर पिच को चेंज किया तो हम जीत सकते हैं, लेकिन जिसके बाद रमील राजा कहना है कि चाहे पिच जो मर्जी हो, जो खिलाड़ी है वो हर पिच परफॉर्म करता है। अगर बेंच लोग ने कहा तो ये सबसे गलत है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए पिचेस की सेम कंडीशन थी, लेकिन फिर भी इंडिया टीम आसानी मैच जीत गई। इंसान बन जाओ छनकने हो, इंसान बन जाओ छनकने हो, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ छनकने हो, इंसान बन जाओ, इन चीजों में कुछ भी नहीं बड़ा हुआ, आओ मुकाबला करो। मैंने इससे पहले ऐसी पिच देखी नहीं है, अगर आप इसको ड्रेसिंग रूम से देखोगे तो ये ग्रीन पिच लगेगी, मतलब कि अपने ड्रेसिंग रूम से इस पिच को सामने देखोगे तो ग्रीन लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इसके पास आ जाओगे ना इस पिच के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको क्रैक्स भी नजर आएंगे और ये डार्क नजर आएगी, मतलब कि ना फुल जिसको कहते हैं ना गाली पिच होगी। तो ये बड़ी उन्होंने अहम बात की थी, उन्होंने कहा था आई एम यूज्ड टू सीइंग स्पेशली आउट इन इंडिया, ऐसी पिचेस मैं इंडिया के अंदर बड़ा कम मैं देखना चाहता हूं जो इंडिया की स्पेशल पिचेस होती है, लेकिन इट लुक ग्रीन एंड ग्रासी अप इन द चेंजिंग रूम, बट देन यू गो आउट देयर इट लुक डिफरेंस वेरी डार्क एंड क्रम्बी and quite a few cracks in it. तो वही बात जो मियां ने आपको बताई, वो कह रहे हैं कि अपने ड्रेसिंग रूम चेंजिंग रूम से देखो तो ये पिच ग्रासी लगती है, लेकिन पास आके देखो तो डार्क भी है, क्रम्बी भी है और क्रैकी भी है। तो ये जैसे कहते हैं खास किस्म की पिच है, और वो कहते हैं मैंने ऐसी पिच से पहले नहीं देखी। तो बेन स्टोक्स ने अभी से रोना पिटना मचा दिया पिच को लेके। अब मैं आपको बता रहा हूं ये जो पिच होगी ना, ये जैसे कहते हैं स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, इसके अंदर बल्लेबाजों को भी मदद मिलेगी, ये जो पिच होगी ये बड़ा सूट करने वाली है। और क्या पता, क्या पता कि दो दिन के अंदर या तीन दिन के अंदर ही टेस्ट मैच खत्म हो जाए, क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूं कि अभी तक हमने रैंक टर्नर नहीं देखा, रैंक टर्नर अभी तक हमने इस पिच के ऊपर देखा ही नहीं इंडिया के अंदर जो तीनों टेस्ट मैचेस हुए। मुझे पता है थर्ड मैच में तबाही की जायसवाल ने, चौथे मैच में क्या करेंगे जायसवाल धवन। सर देखें जायसवाल की जो बैटिंग थी ना, यकीन करें अनबिलीवेबल, मतलब कि ऑब्वियसली बैटिंग किस्म से बहुत मजा आया उसकी बैटिंग देखने का, जिसने उसने परफॉर्म किया है इंडिया को, मतलब एक यंग प्लेयर है उसने परफॉर्म किया है, आगे एक ही मैच में 26 छक्के लगाए, 26 छक्के लगाना कोई मजाक नहीं है, और वो भी इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट। देखो यार आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नए नए प्लेयर आए अपनी टीम को, मतलब नया ज्वाइन किया और उसके बाद आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और आप इतनी बड़ी टीम के सामने एक ही मैच में 26 छक्के लगा रहे हो यार, अनबिलीवेबल। अच्छा सर मुझे बताया, लोग कहते थे इंग्लैंड की बेस बॉल है, जो कि इंग्लैंड खुद भी इस बात पे मबनी थे कि हमारी बेस बॉल इतनी स्ट्रॉन्ग है, कि हमारी इतनी फास्ट बेस बॉल है।